दोस्तों आईपीएल 2020 के ट्रेड विंडो खत्म होते ही सभी टीम ने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स के नाम घोषित कर चुके हैं। तो केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम ने काफी चेंजेस कर चुके हैं और 2019 के टीम में से सिर्फ 13 खिलाड़ियों को रिटेन किए हैं, यानी कि बाकी 11 खिलाड़ियों को कर दिया है टीम से बाहर। तो रिटेन प्लेयर्स का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो में मैं आपसे रिलीज प्लेयर्स के लिस्ट के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी आईपीएल का फैन है और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों केकेआर के टीम काफी खतरनाक रिटेन लिस्ट निकाल चुके हैं और पूरे टीम में से सिर्फ 13 खिलाड़ी रहने वाले हैं, यानी कि केकेआर इस साल ऑक्शन से भारी मात्राओं में प्लेयर खरीदने वाले हैं। तो रिलीज प्लेयर्स के लिस्ट के बारे में बात करें तो नंबर एक पे है रॉबिन उत्तपा। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता था इनको केकेआर इस साल छोड़ने वाला है या फिर ट्रेड करने वाला है। तो रॉबिन उत्तपा ट्रेड तो नहीं हुए, लेकिन केकेआर ने इस साल उनको टीम से बाहर निकाल दिया। नंबर दो पे है क्रिस लिन। तो दोस्तों ये काफी बोल्ड डिसीजन ले लिए है केकेआर टीम ने। लंबे समय के बाद केकेआर ने क्रिस लिन को रिलीज कर चुके हैं, तो आईपीएल 2020 में इस खिलाड़ी को केकेआर टीम में देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों इस खिलाड़ी का टीम से बाहर होना काफी लोगों को चौंका दिया है। नंबर तीन पे है पीयूष चावला। तो दोस्तों स्पिन गेंदबाजों में केकेआर टीम सिर्फ कुलदीप यादव और सुनील नारिन को रिटेन किए हैं और इस खिलाड़ी को कर दिया है टीम से बाहर। तो एक लंबे समय से खेलने के बाद इस साल पीयूष चावला केकेआर टीम के तरफ से नहीं खेलने वाला है। अब नंबर चार पे है कार्लोस ब्रेथवेट। तो ये ऑलराउंडर पिछले साल पूरी तरीके से फ्लॉप था और इसीलिए केकेआर टीम उनको रिटेन नहीं किए और कर दिए है टीम से बाहर। तो इस साल के आईपीएल में कार्लोस ब्रेथवेट को केकेआर टीम में नहीं देखने को मिलेगा। नंबर पांच पे है एंड्रीज नॉर्जे। तो दोस्तों इस तेज गेंदबाज को केकेआर इस साल रिलीज कर दिए है, यानी कि इस साल कुछ खास प्लान लेके ऑक्शन में जाने वाला है और 2019 के दोनों विदेशी तेज गेंदबाज को रिटर्न कर चुके हैं। अब नंबर छह पे है पृथ्वीराज। तो दोस्तों ये प्लेयर को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था, तो इस साल केकेआर इनको रिलीज कर चुके हैं। तो इस खिलाड़ी को 2020 में केकेआर टीम में देखने को नहीं मिलेगा। नंबर सात पे है केसी कड़ियप्पा। तो उनको भी केकेआर इस साल रिटर्न नहीं किए है और ऑक्शन से पहले टीम से बाहर कर चुके हैं। तो इस साल केकेआर टीम में इनको भी देखने को नहीं मिलेगा। अब नंबर आठ और नौ पे है श्रीकांत मुंडे और निखिल नायक। तो दोस्तों इन दोनों को ही केकेआर टीम छोड़ चुके हैं। 2019 में इनका प्रदर्शन बिल्कुल सही नहीं था, तो केकेआर टीम उनको इस साल कर दिया है टीम से बाहर। आखिर में नंबर 10 और 11 पे है जो डैनली और मैथ्यू कैली। तो दोस्तों जो डैनली को 2019 में सिर्फ एक ही मैच खिलाए थे और जीरो में ही आउट हो गए थे और मैथ्यू कैली को एंड्रीज नॉर्जे का रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में शामिल किए थे। तो केकेआर इन दोनों खिलाड़ी को इस साल छोड़ चुके हैं और इन दोनों को आईपीएल 2020 में केकेआर के टीम में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था केकेआर टीम के ऑफिशियल रिलीज प्लेयर्स लिस्ट। केकेआर 2020 से पहले 13 खिलाड़ी को रिटेन, एक खिलाड़ी को ट्रेड और 11 खिलाड़ी को रिलीज कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए केकेआर टीम इन सभी को रिलीज करके सही किया या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।